हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे और हेल्दी होंगे। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। देखिए देखिए देखिए, कौन है ये बच्चा? किसका है ये बच्चा? क्या कर रहा है ये बच्चा? ऐसा नहीं लग रहा आपको कि परियों के देश में एक डॉल जो है या एक परी जो है वो पिंक ड्रेस में लेटी हुई है, पलक तक नहीं चिपका रही है? सी हाँ, मेरा लड्डा, मे लड्डू। हैं पापा को नहीं देखना, मम्मा को देखो, कैमरे में देखो। बाबू, हेलो मासी। हेलो बाबू। हेलो मासी। हेलो बाबू। हेलो मासी। हेलो बाबू। मैं आपको अभी 5 मिनट में एक चीज दिखाती हूँ। देखो लुड़कू पुड़कू। ये देखिए जी, ये अब पूजा हो रही है। 12 बज गया आज, थोड़ा सा हम लेट हो गए पूजा करने के अंदर। तो अभी गुल्लू आज ज्यादा रो रही थी, गुस्सा ज़्यादा था गुल्लू में हमारी देवी माता के अंदर, तो इस वजह से अभी पूजा हुई है। लेट हो गई आज, पूजा हो गई, अभी नाश्ता चलेगा। अब ये जा रही है गुल्लू जी नाश्ता करने के लिए। टैंग टैंग टैंग, अरे जल तो दो, सूरज भगवान जी को जल भी दिया जाएगा, गुल्लू भी देगी, हम वो भी दिखाएंगे। देखिए कैसे गुल्लू और गुल्लू की मम्मी सूरज भगवान जी को बालकनी के अंदर जल देते हैं। मैं बिल्कुल यहीं खड़ा हूँ किनारे पे। ओहो, ये कहाँ जा रही है सवारी? अब जल देने यार, जल देने। क्या बात है, ये भगवान को भी खिलाते पिलाते हैं। ये हिंदू सभ्यता है भाई साहब, मैं किसी और सभ्यता पर कटाक्ष नहीं करूँगा। ये देखिए कैसे सूर्य देवता भगवान को, ये तुलसी जी के पौधे लगे हुए हैं उनको जल दिया जा रहा है, फिर अच्छे से जल दिया जा रहा है। हमने एक छोटा सा पौधा आउटडोर होम टूर लगवाया है, ये इस तरीके से। थोड़ा सा तुलसी जी ले लो चाय के लिए। हाँ, ले लियो। गुल्लू ने जल दिया? हाँ, गुल्लू ने दिया। गुल्लू मत्था टिकवाओ गुल्लू को माता जी के। एक पहले हमारे बचपन के अंदर मेरे को याद आया, पौधे से याद आया, एक विद्या माता का पौधा हुआ करता था। तो ऐसी वो थी कि आप है ना वो पत्ती तोड़ के रख लो, तो आप किताब के अंदर रखोगे तो आपको विद्या जी आएगी। तो हम बचपन में बड़ा करते थे। नहीं नहीं नहीं, कोई खराब नहीं है, माता कभी खराब नहीं होती। हाँ, वो पत्ता हमें सद्बुद्धि दे, निरोगी काया दे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये थोड़ा नहीं है मतलब अपने आप ही टूटा है। ठीक है, सारे सही है ना, तो यही डाल लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, बस छोड़ो, कल संडे है, जैसे संडे के दिन तुलसी जी में वो पीपल में जल नहीं दिया जाता, ऐसी मान्यता है। मान्यता कई प्रकार की है, मान्यताओं के अंदर उलझना नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है। चलो, जो जैसे कह रहा है कर रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत देर से स्ट्रगल कर रही थी इससे निकलने की, तो फाइनली गुल्लू यहाँ से निकलने में कामयाब हो चुकी हैं। ये देखिए, देखो देखो देखो, इसको समझ नहीं आ रहा ये क्या है, क्या चीज़ है ये। देखो देखो, हाँ, हम होंगे कामयाब। वो बाहर मैट है ना, इसको चुभ रहा है बार बार, कोशिश तो कर रही है बाहर जाने की। गुल्लू इधर आओ, मम्मा के पास आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ मम्मा के पास, आजा फटाफट आ,
दे इसके अंदर टंकी देखिए। आ जा आ मम्मा का हाथ ध्यान पकड़ो। ये मेरा लड्डू, ये एक ये मेरा नाश्ता है तैयार और आज लेके आए हैं बनाया भी बंसल जी ने। मैं तो गुल्लू के साथ आपको पता है यहाँ पे खेल रही हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जय जय पकड़ 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 लो ये क्या है। हा सी ओ मार दिया। बढ़िया है नाश्ता, खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। बाबू उठो, बाबू मासी लेने आई है बाबू को। उठ जाओ बाबू, मासी लेने आई है ना बाबू को, है ना। बाबू उठ गया, बाबू उठ गया, मासी ने बाबू को उठा दिया है। मासी गंदी है, मासी अच्छी नहीं है, मासी की पिटी पिटी कर दो। इट्स इवनिंग टाइम और ये हो रहे हैं गुल्लू के सारे कपड़े तय और बंसल जी वहाँ पे आराम से रेस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए सारे कपड़े तय किए हैं, अब इसको इस अलमारी में समेट के रखूँगी। गुल्लू का सारा ला के वो थोड़ा सा दूध है, यहाँ पे मेरे सेट है, ये थोड़े से बाकी मैसी हुई है, मेरे सूट्स हैं फिर किसी दिन दिखाऊँगी। यहाँ पे लगा देती हूँ अभी बस गुल्लू के कपड़े। और आज फाइनली मैं कपड़े समेट रही हूँ, अभी बाहर और पड़े हैं वो समेटते हैं। दिस इज़ माई रूम, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बैठने के लिए लगाया हुआ है, चादर वादर सब साफ़ है। ये मैंने छोटा सा, ये गुल्लू का कॉर्नर है और ये गुल्लू के डायपर रखे हैं, ये गुल्लू के कपड़े जो धुलने वाले होते हैं और यहाँ पे जो है गुल्लू के टॉयज़ रखे हुए होते हैं। तो ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा रूम जो मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेंटेन रखूँ। वो पीछे जो है वो गुल्लू का ये इधर जो है ना मैंने वो लगा रखे हैं, क्या कहते हैं उसको, ब्लैंकेट, ताकि जो है गुल्लू नीचे ना गिरे क्योंकि उधर गैप है। और एक मेरा छोटा सा कॉर्नर है, हाय छोटा सा कॉर्नर है मेकअप कॉर्नर, इसके अंदर मेरे सारे सामान रखे हैं। ऑर्गेनाइज करती हूँ, ये फिर ऐसे मैसी हो जाता है। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि मैं अपना मेकअप दिखाऊं। देखिए बॉडी लोशन मैं निविया का यूज़ कर रही हूँ आजकल, और एक दो मैं वैसे भी फेस वॉश मैंने आपको बता दिया था कि मैं वाओ का यूज़ करती हूँ। इसके अलावा लिपस्टिक कलर बार, ये सिंदूर है और ये है मियोन की लिपस्टिक, मेरे उसके साथ फ्री आया था। ओके इसके अलावा मैं इसके यूज़ करती हूँ ये ओरिफ्लेम की, और ये बाकी मेरा कुछ स्टफ़ रखा रहता है। ये परफ्यूम मेरा बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, ये CFS लेडी का परफ्यूम भी पहले मैं सेल करती थी, और ये बकायदा परफ्यूम जो है ये मैंने दुबई से मंगाया था, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी। वॉच जो बंसल जी ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी, आई थिंक 2 साल पहले की बात हो गई, कैसी लग रही है ना अच्छी। लग 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 लग। देखिए आया है हमारा पंजाबी अंगीठी से खाना और लग रहा है बहुत यमी, और राखी जी तैयार बैठी है खाना खाने के लिए। चाची सर्व तुम करो। और ये झूठ बोल के गए थे, कह रहे थे पीछे से लेके आ रहे हो और लेके आए हैं पंजाबी अंगूठी से। भाई ये है तेज, ये और इसने पोल खोली है, पोल इसने खोली है और इस पंजाबी अंगूठी। सॉरी फॉर द कॉपीराइट। तो ये देखिए खाना
खोला जा रहा है, पूरी टेपिंग लगी हुई है। देख देख इसको कोई आया केक और एक आ चुका है, ये तीन केक है पर सिर्फ मेरे लिए आया, अकेली के लिए ये फिसल के गिर जाता है। आप दीक्षा प्लेट लिया, ये तो पन विद स्माइल। मैं वैसे कह रहा हूँ ज्यादा भी ना खाया जाए, खुल जा स्माइल से। तुमने कुछ स्माइल से खोला था मैंने यार, देखना दोनों केक मस्त लग रहे हैं। खाऊंगी डाइटिंग, डाइटिंग में तो हुई। पता किसी ने मुझे कमेंट किया, पता किसी ने मुझे ये कमेंट किया है कि भाई सोनिका आप तो वैसे ये कहते रहते हो कि ना आप डाइटिंग पे और आप सब खाते रहते हो। पर पता हूँ अभी डॉक्टर गए थे ना, डॉक्टर स्पेशली बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। थक गई भाई। अरे तो आइसक्रीम है मम्मी, मम्मी को दे दे व्हाइट वाला, मम्मी चॉकलेट नहीं खाएगी। इनको कसाटा दो पहले, हाँ पहले मम्मी को कसाटा दे दे। मम्मी को थोड़ी ज्यादा, तुम चाचा को कहती रहती हो कि ये नहीं खाते ये नहीं खाते, बेचारे कोई भी केक कोई भी कुछ भी खा लेते हैं। मैं चॉकलेट नहीं खाती। नहीं तुम नहीं खाती। थोड़ा सा केक बचा है, इन्होंने मुझे तो दिया ही नहीं, ये चाची का है, ये एक कटोरी खा चुकी है पहले। वैसे बनाना आसान है, नीचे ब्राउनी फिर बीच में चॉकलेट। अरे मैंने तीन खाओगे, कितना खाओगे चाची? बस अब खाना पीना खा लिया, सारी चीजें कर ली और अब हम जा रहे हैं बंसल जी, मैं, दीक्षा, कॉपीराइट और उधर चाची, हम जा रहे हैं सारे वॉक पे। और अब यहीं पे ये ब्लॉग जो है यहीं पे एंड कर देते हैं, तो गुड नाइट। और गुल्लू यहीं पे ही है, ये देखो। तो बस बाय बाय, गुड नाइट।